शुक्रवार को मध्य प्रदेश वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ का गठन किया गया। गौरतलब है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग का कोई भी संगठन अब तक नहीं था। वहीं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए संघ की कार्यकारिणी के गठन के पश्चात पंजीयन करा लिया गया है। वहीं अब प्रत्येक संभाग एवं जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। संघ के द्वारा पहले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग को राजपत्रित घोषित करने के संबंध में प्रयास किया जाएगा। संघ की बैठक में प्रांत अध्यक्ष रविंद्र गौतम, प्रदेश सचिव योगेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष भरत सिंह देवड़ा, सह सचिव संतोष सिंह केलवा, भोपाल संभाग के अध्यक्ष धनंजय शर्मा, सचिव श्रीमती नीति मोदी, शेख अजीज, काशीराम मेहर उपस्थित रहे। इस संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफी समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्व के जो रहे संगठन में उनके द्वारा जो हमारे एसडीओज हैं अभी, मतलब हमारे संगठन का कोई काम नहीं हो रहा है। किसी तरह से हमसे जो लोअर पोस्ट पे थे वो हमसे आगे निकल गए, वेतन मान में भी और क्या बोलते हैं पद में भी ग्रेजुएटेड हो गए। हम लोग वहीं के वहीं क्लास थ्री में ही हैं अभी। तो कहीं ना कहीं संगठन, एक संगठन की ज़रूरत थी जो केवल एसडीओ के लिए कार्य कर सके, उनके लिए लड़ सके अपनी लड़ाई, तो इसलिए इस संगठन को बनाया गया रविंद्र गौतम जी की अध्यक्षता में। और आगे हम अपने एसडीओ के वेलफेयर के लिए संगठन के माध्यम से काम करेंगे। हम लोगों ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ बनाया है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को राजपत्रित घोषित करवाना है, जो आज तक हो नहीं पाया है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। और मेरी इसमें मेरी सारी सहयोगी, मेरे क्रेडर की सारी एसडीओ शामिल हैं। उनकी तरफ से भी मैं ये बात कहना चाहूँगी, जितने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को राजपत्रित होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ का अभी नया गठन हुआ है और एक ऐसा वो था कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ के नाम से कोई संगठन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था, तो हम लोगों ने अभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के नाम से संगठन रजिस्टर्ड कराया है विधिवत, जिसका नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर 40449/24। और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र गौतम जी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और हमारे साथी जो अभी बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश के पदाधिकारी और अन्य पदों पर आसीन है जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड स्तरीय पद है और तृतीय श्रेणी का सबसे उच्च पद है, लेकिन संयोग की बात है कि सभी पद विकासखंड स्तर पे अपने राजपत्रित हैं, लेकिन हमारा एकमात्र पद ऐसा है जो राजपत्रित नहीं है, और जिससे हमको विकासखंड स्तर पर कार्य करने में हमारे साथियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सभी पद राजपत्रित होने से हम लोग उतना अच्छा काम नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। सरकार का ध्यान भी पहली प्राथमिकता किसान और कृषि अधिकारी हैं, तो कृषि अधिकारी होने के नाते हम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के लिए राजपत्रित करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मंत्रालय लेवल पर फाइल अभी है, किसी कारणवश आचार संहिता वगैरह कारण वो नहीं हो पाया था, तो हम लोगों का शासन से यही अपेक्षा है कि सर्वप्रथम तो इस पद को राजपत्रित घोषित किया जाए और आगे भविष्य में किसानों के कल्याण के लिए हम अच्छे मन से कार्य कर सकें। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर का कोई भी संगठन नहीं था, जैसा कि अभी हमारे साथी योगेंद्र शर्मा जी ने आपको बताया है कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ का गठन किया जा चुका है। उसकी ये जो आगामी कार्ययोजना है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला और संभाग स्तर पे और विकास खंड स्तर पे इसकी कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। शीघ्र ही जो है तो प्रदेश स्तर पे गठन के पश्चात सबका एक यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पे सब लोग इकट्ठे होंगे और आगे की जो रणनीति बनेगी, कुछ अपने कैडर के जो भी विसंगतियां हैं वेतन संबंधी, कैडर को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित घोषित करने के संबंध में शासन स्तर पे अपनी फाइल चल रही है। कभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम लोग करीब करीब 34-35 साल की सेवा में दे चुके हैं शासन को और विकासखंड स्तर
का ये अपना पद है, SADO का जो पद है ब्लॉक स्तर का है, और ब्लॉक स्तर पे सभी पद राजपत्रित घोषित किए जा चुके हैं, और जो भी पद ब्लॉक स्तर के थे मध्य प्रदेश के गठन के बाद, वेतनमान SADO का सबसे ज़्यादा था। आज SADO का वेतनमान सबसे कम है, बाकी पदों का वेतनमान सबका SADO से ज़्यादा हो चुका है, और सब पद राजपत्रित घोषित किए जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी विसंगति है, जबकि विकास खंड स्तर पे जो अपनी जनपद में कृषि स्थायी समिति होती है, उसका जो पदेन सचिव होता है वो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होता है। वहाँ पे जो जितने भी विकास खंड लेवल के जो भी पद हैं, जब कृषि स्थायी समिति की बैठक आयोजित करता है जो सचिव है, तो वहाँ पे आपस में वहाँ कोऑर्डिनेशन करने में अपने को दिक्कत आती है। वहाँ सारे लोग जो है राजपत्रित रहते हैं और अपन राजपत्रित नहीं रहते हैं, उनसे अपना समन्वय नहीं बैठ पाता है। तो इसमें कोई शासन का कोई भी आर्थिक खर्चा नहीं होना है। ऑलरेडी हम लोग जो है तो 3600 का ग्रेड पे है, और 3600 के ग्रेड पे कई अधिकारी जो है राजपत्रित हो चुके हैं। रिसेंटली अभी नायब तहसीलदार का जो पद है राजपत्रित घोषित किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर 96-97 से ही वो राजपत्रित हैं। इसके अलावा BDO का पद है, क्षेत्र संयोजक जो अपना ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनका पद है। 3600 के ग्रेड पे वाले मैक्सिमम लोग राजपत्रित घोषित। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।